आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कम खर्च में बनने वाली नमकीन की रेसिपी। ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, आप इसको बहुत कम खर्च में बना सकते हैं। और ये है पोहा से बनने वाली नमकीन की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होता है। आप इसको जब चाहे कभी भी बनाकर रख सकते हैं, इसको एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, मेरे किचन रेखास फ्रेश फ्लेवर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार करना है इसका मसाला, जिसके लिए हमने लिया है एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक, डेढ़ चम्मच अमचूर पाउडर, डेढ़ चम्मच शुगर पाउडर। चीनी को यहाँ पर मैंने पीस कर लिया है, अब इन सबको हम पीस लेंगे। बस एक बार इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएं। और ये हमारा चटपटा सब मसाला तैयार हो गया है, इसको साइड में रख देते हैं। अब हमें सारी चीज़ों को फ्राई करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर तेल ले लिया है और उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। और ले लिया है यहाँ पर मूँगफली, ये लिया है हमने 3/4 कप, इसको हमें फ्राई करना है। लेकिन मूंगफली को फ्राई करते समय हम आंच को मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे हमें नहीं तलना है इसको। और इसको तब तक तलना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये हो गया है, तो इसको मैं बाहर निकाल ले रही हूँ और इसको एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। ये निकाल लिया है मैंने, अब ले लेते हैं यहाँ पर 3/4 कप ये जो भुना हुआ चना होता है, वो रोस्टेड ग्राम वो ले लिया है मैंने, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा, यानी कि कड़ा हो जाएगा। तो इसको भी ये हो गया है, तो इसको निकाल लेते हैं। निकाल कर इसको भी टिश्यू पेपर में हमें रख देना है। अब ले लेंगे सूखा हुआ नारियल, यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और आप चाहें तो इससे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है नमकीन में। इसे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है, नहीं तो इसका टेस्ट जो है जला हुआ लगने लगेगा। अब इसको भी निकाल कर हमें टिश्यू पेपर पर ही रख लेना है। जितनी चीज़ें हम फ्राई करेंगे सारी चीज़ों को टिश्यू पेपर पर रखेंगे ताकि सारा ऑयल जो है एब्जॉर्ब कर ले। अब हम फ्राई कर लेते हैं काजू को। काजू को भी मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है और इसको भी बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। काजू का जो नटी फ्लेवर होता है वो हमारे नमकीन के टेस्ट को दोगुना कर देगा। तो ये सारा हमने फ्राई कर लिया है, अब इसको बाहर निकाल देते हैं। अब हम ले लेते हैं खट्टा मीठा सा टेस्ट देने के लिए आधा कप किशमिश। किशमिश को भी हमें फूलने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए ये फूल रहा है और ये फूल गया है, तो अब हमें इसको निकाल लेना है। इसी स्टेज पे हमें इसको निकाल लेना है, ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। अब हम कुछ कड़ी पत्ते, जो हर नमकीन की जान होता है, इसको डालने से ना नमकीन का टेस्ट ही अलग हो जाता है बिल्कुल। ये भी फ्राई हो गया है, तो अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने फ्राई की है सारी मीडियम आँच पर हमने किया है, अब आँच को हमें तेज कर देना है। और यहाँ पर लिया है मैंने 2 कप पोहा। पोहा को मैंने थोड़ा छान दिया था क्योंकि इसमें डस्ट होता है। पोहा 2 तरह का होता है, एक मोटा एक पतला, आपका जो मन करे वो आप ले सकते हैं। पोहा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो ये देखिए फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पोहा सारा फ्राई हो गया है, तो इसको निकाल लेते हैं और टिश्यू पेपर पे ही रखेंगे ताकि ऑयल जो है एब्जॉर्ब कर ले। और बाकी सारे पोहा को इसी प्रकार से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ये नमकीन बनाना बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सारी चीज़ों को बस फ्राई करना है और मिला लेना है। ये देखिए हमारा पोहा फ्राई हो गया है, तो इसको मैं अलग से दूसरे टिश्यू पेपर पर रख रही हूँ ताकि और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो एब्जॉर्ब कर ले। तो ये हो गया है, अब इसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया और ऊपर से डाल देंगे बाकी चीज़ें जो हमने फ्राई करके रखा था। अब हमें डालना है
इस नमकीन की जान जो इस नमकीन को चटपटा और टेस्टी बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच मसाला डाला है और ये सारे मसाले ना हम गर्म में ही डालेंगे, ठंडा करके नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा, मसाला हमारा मिल नहीं पाएगा अच्छे से। मसाला डालकर हमें बहुत अच्छे तरीके से नमकीन को मिला लेना है और ये रेडी हो गया हमारा बनकर नमकीन, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको एयर टाइट जार में भर कर रख दीजिए और महीनों तक इंजॉय कीजिए। ये बिल्कुल चटपटा टेस्टी सा नमकीन बनकर रेडी है। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये क्रंची और टेस्टी सा नमकीन बनकर बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़्यादा सोचिए मत, फटाफट जाइए किचन में और इसको बना ही डालिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि कैसा बना। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय, टेक केयर।